हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में कुछ सीखते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है? रिग पे सबसे ज़्यादा हमारी यूज होने वाली चीज़ें वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, क्योंकि हमसे पूछा जाता है ड्रिल स्ट्रिंग या कोई भी पाइप हो गया कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी हमको निकालनी होती है। और सेम ऐसे ही हमारे जो टैंक्स होते हैं, हमको उनकी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ती है। तो चलिए आज देखते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास ये कोई भी एक जार है जिसकी लेंथ 1 फीट 2 फीट 3 फीट और इसकी टोटल हमने मान ली 4 फीट है। तो इसके अंदर कितनी वॉल्यूम, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जो फुल भर देंगे हम इसको अगर, तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, जब ये फुल भरा होगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यानी 4 फीट तक इसकी लेंथ तक जब ये फुल भर जाएगा तो ये इसकी हो जाएगी कैपेसिटी। अगर सेम जार को हम ले ले, ये भी वही है, 4 फीट तक है, वन फीट। अब वो बोले आपको कि ये पूरा ना भर के इसमें कितना लिक्विड भरा है, 2 फीट तक, तो ये क्या होगा, ये इसकी कैपेसिटी नहीं होगी, इसको बोलेंगे हम इसकी वॉल्यूम, कि इसमें इतनी वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतनी वॉल्यूम ऑफ मड या कुछ भी है। लेकिन जब ये फुल भरा होगा तो ये क्या होगा, ये होगी इसकी कैपेसिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटी को हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिग पे यूज होता है फॉर्मूला, ये हमारा ID² / 1029.4, ये होगा इसका फॉर्मूला। इसमें हमारी कैपेसिटी आएगी बैरल पर फीट, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कैपेसिटी क्या होगी, बैरल पर फीट या मीटर पर फीट या इंच पर फीट। आईडी हमारी यहाँ पे हमको जो फॉर्मूले में रखनी है वो रखनी है इंच में। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी ड्रिल स्ट्रिंग या किसी भी सिलेंडर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी रिग्स पे क्या यूज होते हैं, ड्रिल पाइप यूज होते हैं, वो सिलेंड्रिकल है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। जो भी ड्रिल स्ट्रिंग है, सपोज आपको बोले कि भाई हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है या ड्रिल पाइप मान लो, तो इसकी आईडी जो भी आपको मालूम होगी, जो दी होगी उसकी आईडी चेक करेंगे हम। सपोज अगर इसकी आईडी है 278 या 3.5, कुछ भी आप मान सकते हो, सपोज कि 3.5 है इसकी आईडी, तो वो आप इसमें रखो 3.5 स्क्वायर। का मतलब क्या है, इसको आप 3.5 को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मीन्स उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो वो जो हमारी कैपेसिटी आएगी वो आएगी 1 फीट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पाइप आपका ड्रिल पाइप 1 फीट का है तो इसमें कितना लिक्विड आएगा वो इस फॉर्मूले से हमको निकल जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, ID², आईडी किस में रहेगी, इंच में, डिवाइड 1029.4 इंटू लेंथ। अब जैसे यहाँ पे 1 फीट का था तो ये पर फीट आ गया। अब हो सकता है हमारी ड्रिल पाइप 30 फीट का हमने मान लिया, दूसरा कोई एक ड्रिल पाइप है हमारा, इसकी लेंथ कितनी है 30 फीट, और इसकी आईडी कितनी है वही मान लेंगे 3.5। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 3.5 आईडी का स्क्वायर है 3.5 × 3.5 / 1029.4 इंटू लेंथ कितनी है 30 फीट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में आएगी हमारी, ये आएगी हमारी बैरल में, तो वॉल्यूम का हो गया ऐसा। तो वॉल्यूम को हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपेसिटी मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, बैरल में आती है वॉल्यूम, कैपेसिटी कभी भी कैसे आएगी, बैरल पर फीट इसमें आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा कन्वर्जन होता है, जैसे हमको बैरल की जगह गैलन में या किसी और लीटर्स में पता करना है, तो उसके लिए सीधा कन्वर्जन होगा, 1 बैरल इक्वल टू होता है 42 गैलन्स के। सपोज आपने बैरल में कैपेसिटी, सॉरी वॉल्यूम आपने बैरल में निकाल ली, अब आपको उसको बैरल से किस में करना है, गैलन्स में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 42 से, क्योंकि एक बैरल में कितना गैलन होता है 42, तो जो हमारे बैरल इस फॉर्मूले में वॉल्यूम में निकल के आएंगे उसको अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गैलन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही
वन बैरल से अगर आपसे पूछे कि लीटर्स में बताओ तो 159 लीटर्स हो जाएंगे। और ऐसे गैलन से भी हम 3.78 लीटर्स होता है। तो ये हो गए हमारे कन्वर्जन के फॉर्मूले। अगर हमारी बैरल में हमको पता है वॉल्यूम, तो उसको गैलन में चेंज कर सकते हैं, लीटर्स में चेंज कर सकते हैं, गैलन से हम लीटर्स में। तो ये आप याद कर लो, ये काफ़ी इजी है। दोबारा क्या, जैसे हमारी रिग पे क्या है, रिग पे हमारी पूरी स्क्रीन ऊपर क्या होगा, हमारा ड्रिल पाइप हो गया, ड्रिल पाइप के नीचे हमारा क्या हो गया, हैवी वेट ड्रिल पाइप हो गया, उसके नीचे क्या हो गया हमारा स्पायरल ड्रिल कोलर्स हो गया, नीचे हमारा हो गया पिक। तो हमसे पूछेगा कि भाई ड्रिल स्क्रीन की कैपेसिटी या वॉल्यूम बताओ कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ड्रिल पाइप की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम, इसकी आईडी चेक करो कितनी आईडी है, इसकी आईडी को हमने इस फॉर्मूले में रखा डिवाइड बाई 1029.4। इससे हमने क्या निकाल लिया, इसकी कैपेसिटी। अब हम देखेंगे कि हमारी ड्रिल पाइप की लेंथ कितनी है, ठीक है, उस लेंथ से हमने उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, वॉल्यूम। तो ड्रिल पाइप की वॉल्यूम आ गई। इसके बाद हम ऐसे क्या करेंगे, हम हैवी वेट की आईडी देखेंगे कितनी आईडी है, उस आईडी को सेम फॉर्मूले में रखेंगे, आईडी स्क्वायर डिवाइड बाई 1029.4। इससे हमको क्या पता लग जाएगा, हैवी वेट की कैपेसिटी। अब हैवी वेट की लेंथ कितनी है वो पता है हमको, कैपेसिटी लेंथ से मल्टीप्लाई करा तो हमको क्या पता लग गया कि इस हैवी वेट के अंदर, मीन्स टोटल हैवी वेट के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ मड है। ऐसे हम क्या करेंगे, ड्रिल कोलर की निकाल लेंगे। ड्रिल कोलर की आईडी हमको पता होगी, उसकी आईडी को हम फॉर्मूले में रखा, डिवाइड किया, इससे हमको कैपेसिटी मालूम हो गई। कैपेसिटी में हमने लेंथ कितनी है टोटल इसकी, उसका मल्टीप्लाई किया तो हमारी क्या आ जाएगी, ड्रिल कोलर की वॉल्यूम, यानी उसके ड्रिल कोलर के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ मड है। तीनों को आप ऐड कर दो तो ये क्या आ गई हमारी टोटल, ये टोटल आ जाएगी हमारी ड्रिल स्क्रीन की वॉल्यूम कितनी है। ओके, तो ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, एक हम टैंक्स का बताते हैं। ये हमारा मड टैंक हो गया, लग रहा है मड टैंक जैसा। ओके, मान लो मड टैंक है, ये हो गई हमारी इसकी लेंथ, लंबाई कितनी है, ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी हाइट ऊंचाई, और ये हो गई हमारी इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई। लंबाई है टैंक की, ये लंबाई चौड़ाई है टैंक की, और ये है उसकी ऊंचाई हाइट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इस टैंक की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ, ठीक है।